नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जोर शोर से काम चल रहा है। इसी के तहत राजधानी पटना में मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण कार्य जारी है। निर्धारित समय पर निर्माण कार्य पूरा करने के लिए हाल ही के दिनों में तेजी लाई गई है। काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, लिहाजा पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कई पदों पर बहाली भी निकाली है। काम जोर शोर से होने के कारण मेट्रो परियोजना में अभ्यर्थियों को रोजगार की संभावनाएं दिख रही हैं। यही कारण है कि ठग भी अब काफी एक्टिव हो गए हैं, जिसके कारण ही अब पटना मेट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने के मामले सामने आ रहे हैं। अभ्यर्थियों को फर्जी वेबसाइट, ईमेल, व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फंसाने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर बड़ी संख्या में शिकायतें भी सामने आ रही है, जिसके बाद ही अब पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नोटिस जारी किया है। कंपनी के जीएम एचआर की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पटना मेट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी बैंक खातों में राशि मांगे जाने की शिकायत लगातार सामने आ रही है, लेकिन पटना मेट्रो से जुड़ी नियुक्ति के लिए किसी भी वेबसाइट या एजेंसी को इस बाबत अधिकृत नहीं किया गया है। किसी भी तरह के रोजगार की सूचना नगर विकास और आवास विभाग की वेबसाइट या अखबारों के जरिए ही दी जाती है। साथ ही फर्जी विज्ञापन के आधार पर आवेदन करने या पैसे देने पर उसकी जिम्मेदारी कंपनी को नहीं होगी। इसके पहले भी नौकरी के नाम पर ठगी को लेकर मेट्रो कंपनी की तरफ से एडवाइजरी जारी करने का आग्रह किया गया था। इससे पहले भी पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में नौकरी के नाम पर कई लोग फंस चुके हैं। इसी साल जुलाई महीने की बात करें तो पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में असिस्टेंट इंजीनियर के बहाली एक नाम पर कई युवा ठगी का शिकार हो चुके हैं। कई तो ऐसी भी शिकायतें सामने आई है जिसमें ठगों ने पैसे ऐंठने के बाद फर्जी ऑफर लेटर भी जारी कर दिया था। मामले का खुलासा तब हुआ जब ठगी का शिकार बने युवा नौकरी ज्वाइन करने पहुंच रहे थे, लेकिन नौकरी की कोई बात ही नहीं थी। जिसके बाद ही आनन फानन में पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन भी हरकत में आई और सभी लोगों से किसी भी विभाग की साइट या ऑनलाइन सोर्स पर जाकर आवेदन नहीं भरने की अपील की गई। साथ ही ये भी साफ किया गया कि जब भी पटना मेट्रो की तरफ से नौकरी निकाली जाएगी, नगर विकास और आवास विभाग की वेबसाइट या अखबारों के अलावा कहीं भी नौकरी का विज्ञापन अगर आप देखते हैं तो आप किसी भी हाल में ठगी का शिकार ना बने, वरना आने वाले समय में आपको ही परेशानी होगी। हालांकि यह ठगी कौन और किस तरह से कर रहा है, इसका पता लगाने में सरकार और विभाग दोनों ही लग गए हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले समय में ठगों के काम का पर्दाफाश होगा। हालांकि अब आप तब तक सतर्क रहें और ठगी का शिकार ना बने जब तक ये मामले पूरी तरीके से सुलझ नहीं जाते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।